अपनी बीवी एक मुसलमान महिला थी, गाय चराने के लिए प्राय यहाँ आया करती थी। उसी क्रम में गाय इस स्थान पर आकर के रुक जाती थी और उसके थन से सारा दूध निचोड़ कर नीचे गिर जाया करता। तो एक ही छत के नीचे दो धर्मों की पूजा की जाती है, इसके पीछे क्या कहानी है, आखिर ऐसा क्या राज है कि एक ही छत के नीचे दो धर्मों की पूजा की जाती है? क्योंकि मैंने हिंदुस्तान में इससे पहले कहीं नहीं देखा है जहाँ पे एक ही छत के नीचे दो धर्मों की पूजा की जा रही हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए रास्ता ब्लॉग। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में, और आज 1 जनवरी है, तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही खास जगह पर जाने वाले हैं, शायद आपने इससे पहले उसके बारे में ना देखा होगा ना सुना होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने 1 जनवरी को प्लान किया है कि आपको एक ऐसे जगह पर लेकर जाऊं जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, और मुजफ्फरपुर से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आज हम लोग बाइक से जाने वाले, एक्सप्लोर करके दिखाएंगे उस जगह को। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। एक और बात बता दूँ, आज टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा माइनस हो गया, क्योंकि 14 से 15 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, देख सकते हैं मेरे चेहरे पर भी दिख रहा होगा आपको, और इधर मेरे पीछे देख सकते हैं भाई साहब, कोहरा के अलावा कुछ भी नहीं है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ, और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी बिहार में बढ़ गया है। मज़ा आएगा दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पर लेकर आया हूँ जिसके बारे में शायद आपने इससे पहले सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास जगह पर लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने भी इससे पहले नहीं सुना था, जैसे ही सुना तो यहाँ पर ब्लॉग करने के लिए आ गया। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे जगह पर लेकर आया हूँ जो पूरी दुनिया में शायद पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों एक ही छत के नीचे दो धर्मों की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक ही छत के नीचे दो धर्मों की पूजा की जाती है, शायद आपने इससे पहले ना देखा होगा ना सुना होगा। आखिर ऐसा क्या है कि दो धर्मों की एक ही छत के नीचे एक साथ पूजा की जाती है? तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही विशाल मंदिर बनाया गया है, जिस मंदिर के अंदर से मैं आपको अभी लेकर आया हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा मंदिर को बनवाया गया है, जिसके अंदर में खुन्नी बीबी का मजार है और शिवलिंग की स्थापना की गई है, जहाँ पे शंकर भगवान की पूजा की जाती है। तो देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे और भी देवी देवता का है, लेकिन ये मंदिर की स्थापना स्पेशली उन्हीं की। तो चलिए दोस्तों, मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे खुन्नी बीबी के मजार की पूजा की जाती है और एक तरफ शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सामने एक तरफ जो है खुन्नी बीबी का मजार है और दूसरी तरफ शिवलिंग की स्थापना की गई है दोस्तों, और दोनों एक ही छत के नीचे है। क्योंकि मैंने बहुत जगह गया है, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर गए हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा है, शायद आपने भी कभी नहीं देखा होगा दोस्तों, कि एक तरफ मजार की पूजा की जाती है तो दूसरी तरफ शिवलिंग की पूजा की जाती है दोस्तों। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और हालांकि यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट दूर दूर के नहीं आते, बिहार के ही लोग आते हैं। खुन्नी बीबी के मजार पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी दूर से, मैं भी मुजफ्फरपुर से आया हूँ, और बगल में भाई है जो गरीब स्थान मुजफ्फरपुर है उसके पास से आए हैं। तो भैया, आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर गरीब स्थान? यस। तो यहाँ के बारे में, खुन्नी बीबी का मजार है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे जानते हैं यहाँ पे, कैसे आए, या किसी के माध्यम से बताया कि, या यहाँ के बारे में जानते हैं? यूट्यूब पे देखे हैं तो आप आए हैं, यानी यूट्यूब पर इससे पहले भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप देख कर आए हैं। तो यहाँ के बारे में क्या जानते हैं आप? खुन्नी बीबी जो है, उसके बगल में शिवलिंग की स्थापना की गई है, तो एक ही छत के नीचे दो धर्मों की पूजा की जाती है, इसके पीछे क्या कहानी है, आखिर ऐसा क्या राज है कि एक ही छत के नीचे दो धर्मों की पूजा की जाती है? क्योंकि मैंने हिंदुस्तान में इससे पहले कहीं नहीं देखा है, तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं, कुछ बता सकते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि भैया को पता नहीं है यहाँ के बारे में, वैसे ही वीडियो के माध्यम से देखकर यहाँ पे आ गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ की एक कहानी है कि खुन्नी बीबी यहाँ के रहने वाली थी, यहीं के कौन सा गांव है भैया? मोरवा। ये मोरवा के ही रहने वाली थी, यहाँ पे गैया चराने के लिए आया करती थी, लेकिन होता क्या था कि उनकी गैया का दूध जो था ऑटोमेटिक जैसे इस जगह पे गिर जाता था। अब वो डेली डेली ऐसे ही होता था, तो कंफ्यूज थी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि दूध जाता कहाँ है। फिर उसने एक दिन गैया का पीछा करना शुरू कर दी, और पीछा करते करते यहाँ पे आई, तो देखी कि उनके थन से ऑटोमेटिक दूध नीचे गिर रहा था, तो डर गई, काफ़ी घबरा गई, और घबरा कर वो अपने घर चली गई गैया को लेकर, और खाना पीना खा के जब वो सोई तो रात में उसको सपना आता है, सपना आया कि ये राज किसी को नहीं बताना है कि गैया का दूध वहाँ पे गिर जाता है। लेकिन क्या था
वो तो छुपाना चाह रही थी, बताना तो नहीं चाह रही थी क्योंकि काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन क्या था कि उसके फैमिली वाले बार बार पूछ रहे थे कि आखिर गैया का दूध जाता कहाँ है और हो क्या जाता है, ऐसा तो नहीं है कि जो गैया का दूध निकाल के बेच लेती या किसी को दे देती है। तो फिर ये मजबूर होगा अपने फैमिली को बता देती है कि गैया का दूध ऑटोमेटिक वहाँ जंगल में गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर पहले नहीं था, जंगल ही जंगल था, गैया ही सिर्फ चरती थी, यहाँ पे उतना घर नहीं था, लोग नहीं थे। तो यहाँ पे लोग आए और देखे कि यही जगह है जहाँ पे गैया का दूध गिरता है, और इसी के वजह से क्योंकि उसको सपना में बताया गया था कि किसी को नहीं बताना है, लेकिन वो बता देती है, इसलिए उसको जो है मृत्यु हो जाती है, कै उस्ती और कै उल्टी और शायद ब्लड ब्लड भी मुँह से उनको आता है और वो मर जाती है। तो मरने के बाद यहीं पे दफनाया गया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे मंदिर है, वहीं पे उनको दफनाया गया है। और दफनाने के बाद कुछ समय बाद ताजपुर के राजा ताज खान जो थे यहाँ पे खुदवाते हैं, क्योंकि मजार को और मतलब उसको ऊंचा करना था, खुदवाते हैं। तो वहाँ पे खनने के बाद वहाँ पे एक शिवलिंग निकलता है और उस पर चोट लगने की वजह से उसमें से ब्लड निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, और उसको जैसे ही खोदते हैं तो शिवलिंग का कोई अंत नहीं होता, जैसे जैसे खनते जाते हैं वो और बड़ा होता चला जाता है। तब लोग जो है से जानने लगे कि यहाँ पे सच में शंकर भगवान रहते हैं, शिव भगवान भोलेनाथ यहाँ पे रहते हैं। तब जाके उस समय से लेकर अभी तक खुदनी बीबी और दूसरी तरफ शंकर भगवान की दोनों की एक ही छत के नीचे पूजा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ की यही कहानी थी, और यही कारण है कि यहाँ पे काफ़ी दूर से लोग आते हैं। हालांकि ये मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन मंदिर है, उतनी विकसित नहीं है, टूरिज्म पैलेस नहीं है, काफ़ी दूर दूर से लोग नहीं आते हैं, जो दो तीन जिले के लोग हैं वही आते हैं, बिहार के ही लोग आ पाते हैं यहाँ पे, जैसे कि भैया लोग आए हैं काफ़ी दूर दूर से, हालांकि बिहार के ही जिला से आए हैं, लेकिन यही कारण है दोस्तों कि आते हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी जगह पर गया है लेकिन इसे पहले नहीं देखा है कि एक ही छत के नीचे दो धर्म की पूजा की जाती है। यही है ना बात? Yes. यही बात है ना? हाँ। आप लोग यहाँ के तो लोकल हैं? आप कहाँ से हैं? अच्छा, मतलब लेकिन ये लोग भी यही जान रहे हैं, यही सच्चाई है दोस्तों, यही कारण है कि लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ, जैसे कि देख रहे हैं भैया माला पहने हुए, चंदन लगाए हुए हैं और पूरी मनोकामना के साथ लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा करके मैंने जो देखा है सिर्फ हिंदू लोग ही ज़्यादा कर पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग नहीं करते। हालांकि खुदनी बीबी का मजार तो है, हिंदू धर्म भी मजार की पूजा करते हैं और मुस्लिम लोग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म ही मजार की भी पूजा करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। चलिए दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ के बारे में पंडित जी के माध्यम से जान लेता हूँ कि आखिर यहाँ का क्या कहानी है, क्या खुदनी बीबी और शंकर भगवान दोनों के बीच की क्या कहानी है। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। यह स्थान समस्तीपुर जिला के उत्तर दक्षिण कोना में, दक्षिण पश्चिम कोना में अवस्थित श्री खुदनेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। यह मंदिर के प्रादुर्भाव आज से लगभग 2600 वर्ष पहले हुआ था। उसी समय यहाँ से खुदनी बीबी नाम के महिला के द्वारा इस मंदिर का बाबा का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इसका नाम खुदनेश्वर नाथ महादेव है। यहाँ दोनों समुदाय के लोग निवास करते हैं, इनमें से किसी का कोई मतभेद नहीं है। पंडित जी बताइए कि खुदनी बीबी क्या थी और उनकी यहाँ पर स्थापना क्यों की गई? खुदनी बीबी एक मुसलमान महिला थी और वहाँ यहाँ गाय चराने के लिए प्राय यहाँ आया करती थी। उसी क्रम में गाय इस स्थान पर आकर के रुक जाती थी और उसके थन से सारा दूध निचोड़ कर नीचे गिर जाया करता था। इसी यह क्रम लगभग महीनों वर्षों चलता रहा, जिससे उसके घर वाले लोग बार उसको प्रताड़ित करने लगे, धिकारने लगे और चोरी का इल्ज़ाम लगाए कि तुम दूध के बेच लेती हैं, ऐसा ऐसा कुछ छुपाते जी जी, जिसे वह किसी को बता तो नहीं पाती थी। और उसी के क्रम में उसको यह जानकारी भगवान शंकर से दर्शन हुआ और भगवान शंकर ने उससे कहा, जिस संबंध में तुम किसी से मत बताना, अच्छा, जिस दिन तुम्हें यह बताएगी उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जी जी। जब घर के द्वारा इसके ऊपर प्रभावित किया गया, प्रेशर में लाया गया, तो प्रेशर में आकर के दबाव में आकर मतलब वो मजबूर में मतलब बताना नहीं चाह रहे, लेकिन मजबूर होगा फैमिली को बताना पड़ा, बताना पड़ा। जब बता दिया तो उसी रात उसकी मौत हो जाती जी। उसका दफन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे। उस समय कालांतर में यह स्थान बहुत जंगलों से भरा बीहर जंगल था, यहाँ जंगल से भरा पड़ा था। यहाँ लाए, जब खुदाई की गई उसी क्रम में दफन करने के क्रम में बाबा शंकर का उनका प्राकट्य हुआ है ना, जो उसका दफन वहाँ कर दिया गया। लेकिन इसकी कहानी लोगों में फैल गई आग की तरह, लोग यहाँ उपस्थित हुए
अब दोनों समुदाय के लोग मन से हुआ कि जब भाई यहाँ पर जब बाबा प्रकट हुए हैं तो उनका स्थापना होना ही चाहिए, उनकी पूजा पाठ होना चाहिए और उसी क्रम से आज तक पूजा होता रहा। यहाँ दोनों समुदाय के लोग प्राय रहते हैं लेकिन किसी में कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई दुर्भाव नहीं है, सारे लोग समान पर यहाँ रहते हैं। यहाँ खुदनी बीवी की पूजा होती है, जिस प्रकार से भगवान शंकर की हम लोग पूजा करते हैं, वैदिक रीति से पूजा करते हैं, उसी हिसाब से, उसी श्रद्धा से, उसी भाव से खुदनी बीवी की हम पूजा करते हैं। यहाँ पर कोई मुस्लिम लोग कभी भी पूजा करने के लिए नहीं आते हैं और ख़ास करके सारे लोगों को तो यह पता है कि मुस्लिम लोग मूर्ति पूजा नहीं होते हैं, वो नहीं आते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको इस पूजा से कोई उद्देश्य नहीं है, कोई घृणा नहीं है, इसी तरह कोई मनोभाव मनोभाव। तो दोस्तों, जैसे कि पंडित जी ने बताया यहाँ के खुदनी बीवी के मजार के बारे में और शंकर भगवान के शिवलिंग की, दोनों की पूजा क्यों की जाती है, शायद आप लोगों को समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टिल देन।